लगा उस पूंजी के बदले में एक मिनट 60 वर्ष की आयु पूंजी के उस पूंजी के बदले में एक मिनट और 60 वर्ष की पूंजी से 60 मिनट लेना चाहें तो नहीं मिल सकते, तो हमारा समय बर्बाद हो गया। एक वैश्य भाई ऐसा व्यापार नहीं करते कि जिससे पूंजी तो लग जाए और पीछे कौड़ी एक भी ना बचे। व्यापार में तो कुछ ना कुछ पैदा होना ही चाहिए, परंतु इधर 60 वर्षों की उम्र में जितनी पूंजी इकट्ठी की उसके बदले में 60 महीने मिल जाए, 60 दिन मिल जाए, तो भी बारहवां अंश तो मिला, परंतु 60 दिन तो दूर रहे, 60 घंटा 60 मिनट भी नहीं मिलते। अगर मृत्यु का समय आ जाए तो 60 मिनट भी नहीं मिल सकते, और उस समय हमारा लग गया 60 वर्ष, तो हम बहुत घाटे में चले गए। बहुत क्या, केवल कोरा घाटा ही घाटा है। श्रद्धे स्वामी राम सूरदास जी महाराज के चरणों में सत सत नमन। स्वामी जी कहते हैं भगवान से अपनापन। स्वामी जी कहते हैं कि वास्तव में हम सब परमात्मा के हैं और यह संसार भी परमात्मा का है, परंतु जब हम इस पर कब्जा करना चाहते हैं, इसको अपना मान लेते हैं, तब हम इससे बंध जाते हैं। हमारी यह एक धारणा रहती है कि हमारे अधिकार में जितनी वस्तुएं और व्यक्ति आ जाएंगे उतने हम बड़े बन जाएंगे, उन वस्तुओं और व्यक्तियों के मालिक बन जाएंगे, परंतु यह धारणा बिल्कुल गलत है। जिन रुपए परिवार आदि को हम अपना मान लेते हैं उनके हम पराधीन हो जाते हैं, उनके परवश हो जाते हैं। वहम तो यह होता है कि हम उनके मालिक बन गए, पर बन जाते हैं उनके गुलाम। यह खूब समझने की बात है, केवल सुनने सुनाने की नहीं। आप स्वयं विचार करें कि जिन मकानों को आप अपने मकान मानते हैं उन मकानों की ही आपको चिंता होती है। जिन मकानों को आप अपना नहीं मानते उनकी चिंता आपको नहीं होती। जिस परिवार को आप अपना मानते हैं उससे उसके बनने बिगड़ने का आप पर असर होता है, और जिसको आप अपना नहीं मानते उसके बनने बिगड़ने का आप पर असर होता ही नहीं। ऐसे ही रुपए पैसे जमीन जायदाद आदि वस्तुओं को आप अपनी मान लेते हैं, उनकी जिम्मेदारी, उनकी चिंता, उनके संचालन आदि का भार आप पर आ जाता है। जिनको आप अपना नहीं मानते उनसे आपका बंधन बिल्कुल नहीं है। इस युक्ति पर आप विचार करें, आप समझें। संसार में जो थोड़े से मकान हैं, थोड़े से व्यक्ति हैं, थोड़े से रुपए हैं, हजार लाख करोड़ हैं, उन मकान और व्यक्तियों और रुपयों में ही आप बंधे हुए हैं। जिनको आप अपना नहीं मानते उन मकानों और व्यक्तियों और रुपयों से आप बिल्कुल मुक्त हैं। आता है संसार से आपकी ज्यादा मुक्ति तो हो ही गई है, अब थोड़ी सी मुक्ति बाकी है। मुक्ति नाम है छूटने का,
जिन रुपयों आदि को आप अपना नहीं मानते उनसे आप बिल्कुल छूटे हुए हैं, उनसे बिल्कुल मुक्त हैं। जिनमें आपकी ममता नहीं है उनके हानि लाभ आदि का आप पर असर नहीं होता, अर्थात उनमें आप सम रहते हैं। वह चाहे सोना हो, चाहे मिट्टी हो या पत्थर हो, उसके आने जाने का आप पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी प्रकार मान अपमान और मित्र शत्रु के पक्ष में भी आपकी समता रहती है, उनका असर आप पर बिल्कुल नहीं पड़ता। वास्तव में समता ही तत्व है। गीता में भगवान ने कहा है कि यह कि अर्थात जिनका मन समता में स्थित है उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया। तात्पर्य है कि जिनके हृदय में समता है उनके हृदय में वस्तुओं के बनने बिगड़ने पर आने जाने पर कोई विषमता नहीं होती, पक्षपात नहीं होता, राग द्वेष नहीं होते, हर्ष शोक नहीं होते। वस्तुओं और व्यक्तियों के आने जाने से हमारे पर किंचित मात्र भी असर न पड़े, तब तो हम संसार पर विजयी हो गए। परंतु उनके आने जाने का असर अगर पड़ता है तो हम संसार से पराजित हो गए, हार गए, संसार हमारे पर विजयी हो गया। हार किसी को भी अच्छी नहीं लगती, जीत सबको अच्छी लगती है। जिनका मन समता में स्थित है वे आज अभी जीत सकते हैं, विजयी हो सकते हैं। एकदम सिद्धांत की और बिल्कुल सच्ची बात है। गीता जी कहती है कि अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम हो गया, वे परमात्मा में ही वे स्थित हैं। कितनी विलक्षण बात है। परमात्मा तत्व को प्राप्त करना मनुष्य का खास ध्येय है। प्रत्येक भाई और बहन सब अवस्थाओं में उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उस तत्व की प्राप्ति के लिए ही यह मनुष्य शरीर मिला है। परंतु हम नाशवान चीजों को अपनी मान कर और उसमें फंस जाते हैं, बंध जाते हैं और अपने लक्ष्य से वंचित हो जाते हैं। ये चीजें पहले भी अपनी नहीं थी और पीछे भी अपनी नहीं रहेंगी, बिल्कुल यह बात पक्की है। बीच में ही उनको अपनी मानकर आप उनमें फंस जाते हैं। अगर हम उन चीजों को अपना न माने प्रत्युत उनको भगवान की मानकर अच्छे से अच्छे उत्तम से उत्तम व्यवहार में लाएं तो हम बंधन में नहीं पड़ेंगे। उन वस्तुओं में हमारा अपनापन जितना जितना छूटता चला जाएगा उतनी उतनी हमारी मुक्ति होती चली जाएगी। प्रभु के साथ हमारा अपनापन सदा से है और सदा रहेगा। केवल हम ही भगवान से विमुख हुए हैं, भगवान हमसे विमुख नहीं हुए। हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कहा